धक्का दो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज है 10 मार्च और चलते चलते बातें करते हैं आज हम दोस्तों। आज मैं आपको शिमला की लाइफ दिखाता हूँ। यहाँ पे हर 100 मीटर चलने के बाद आपको ऐसी पैड़ियाँ मिलेगी जो कि 50 से 60 पैड़ियाँ होती हैं और ऊँची ऊँची होती हैं, उसको चढ़ते रहो यहाँ पे। गाइज सेकंड स्टेयर्स आ गई। अब ये देखो, अब इसको चढ़ना पड़ेगा। थर्ड स्टेयर्स, स्टेयर्स चढ़नी है, साथ चढ़ जाते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पैदल जाना है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, ये आ गई है फोर्थ स्टेयर्स। इसमें भी 50 से 60 सीढ़ियाँ होंगी आराम से। गाइस जिम के पास पहुँच गया हूँ और अब मेरे को स्टेयर्स उतरनी है। ये सारी स्टेयर्स उतरनी है, अभी भी स्टेयर्स हैं। ये जिम में अपनी जिम पहुंच गए हैं और आज हम कर रहे हैं भाई साहब की एक्सरसाइज। ये हमारे साथ प्रशांत है, वार्म अप हो रहा है अभी और ये हमेशा एक्सरसाइज करते हुए। अभी इसमें वेट डाल लिया हमने। अभी और कौन सी करनी है हमने? अभी आपका वर्कआउट है रिवर्स कर्ल। आ जाओ, जिग जैग राउंड ले आओ, ये वाली बढ़िया है। ओके, रिवर्स कर्ल मारेंगे, ये रोड लेंगे हम और इसको हम क्लोज मारेंगे। ये हमारे फोरआर्म और इस मसल के लिए इफेक्ट करेगा आपको, ठीक है? ओके, जो आपकी डोड़ा नीचे से आता है बंदे का, फ्रंट मसल नहीं आता, उसको आप करोगे, ठीक है? इसको आपने इस तरह से पकड़ना है, इस जगह से ये ऐसे ये कर इस तरह से, और आपकी बाजू यहाँ रहेगी और यहाँ से ऊपर आके पूरा स्क्वीज करना है। स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, ठीक है? इसके आपने वही 3 सेट, 12, 10, 8, ठीक है? और वेट अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है? अभी वापस चलते हैं। गाइस जिम से निकले, फिर से पैड़ियाँ स्टार्ट, पैड़ियाँ चढ़ो और उतरो। शिमला की लाइफ ही पैड़ियाँ चढ़ना उतरना है। ये इलेक्ट्रिक बस जा रही है यहाँ पे। वापस ऐसे सारी पैड़ियाँ उतरनी है और ये लास्ट पैड़ियाँ हैं। इसके बाद बस रोड ही बचेगा, फिर मैं घर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद रेडी होके मेरे को ऑफिस जाना है। घर पहुँच गए हैं गाइज, ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ, अब चलते हैं आगे। गाइज ये रेव अपने आप कम ज़्यादा हो रही है, पता नहीं इशू है या प्रोसेस है वार्म अप का। ये फाइनली स्टेबल हो गई, अब चलते हैं। ट्रैफिक है आज भी, फिर सुबह सुबह ट्रैफिक हो ही जाता है। फिर से ट्रैफिक स्टॉप हो गया है, लाइन लग गई है। स्कूटी वाला सही जा रहा है पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। यहीं पे पास में मेरी जिम है जहाँ मैं सुबह आया था। बाइक वाला गया, हमारे अंदर पेशेंस है।
मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा भी मन कर रहा है निकल जाने का। निकल जाऊं क्या? ये पल्सर वाला भी गया, मैं पेशेंस से वेट कर रहा हूँ कब ये गाड़ियाँ चल पड़े। गाड़ियाँ चल पड़ी है, फिर से रुक गई है। एक और रॉयल इनफील्ड वाला चल पड़ा है, धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे जा रहा है वो, और उसको बीच में रोकनी पड़ी गाड़ी आने की वजह से। मैं भी चला, ओके निकल गए हैं। यहाँ पे फिर से मैं आराम से कर लेता हूँ क्योंकि मोड़ आ रहा है, रोड पतला है। आखिर मैं पेशेंट जवाब दे गया और बाइक मैं साइड से लेके चल पड़ा हूँ, और ऑलमोस्ट ट्रैफिक हमने सारे क्रॉस कर लिया है। देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है, अगर नहीं आता तो वहीं पे खड़े रह जाना था। तगड़ा ट्रैफिक है आज तो। रीजन पता नहीं आज वीकडेज में इतना ट्रैफिक कहाँ से आया है। ये रॉयल इनफील्ड की आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है, इसने बढ़िया साइलेंसर लगवाया है। गानों में गाने की तरह बज रही है। मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, कैमरा यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। गाइस ऑफिस से आ गए हैं, चिप्स ये कैमरा निकल जाऊँ मैं। गाइज पहले तो मैं पुलिस स्टेशन होकर आया हूँ पार्किंग सर्टिफिकेट के लिए,
गाइस ये छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अभी मैं पुलिस स्टेशन होके आया हूँ ना, उन्होंने बोला कि कल दोपहर तक आपकी पार्किंग वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद मेरे को जाना है SDM ऑफिस। मैंने ऑर्डर किया है चिकन सुप्रीम बर्गर, इस बर्गर इज हियर। भाई ये शिमला में इतनी पैड़ियाँ हैं ना, आप कुछ खा के आए हो तो वो जबकि जब हजम हो जाते हैं, आपको दोबारा भूख लगने लगती है जब तक घर पहुँचते हो। गाइज घर पहुँच गया हूँ और अभी मैं कपड़े धो रहा हूँ, कल मेरे को जाना है तो थोड़े बहुत कपड़े धो लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।